महाकाल के नगरी उज्जैन में बरसों से एक मिथक है कि कोई भी राजा यहाँ पर रात नहीं रुक सकता। इसी मिथक के चलते देश के प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और राज्यपाल यहाँ रात में नहीं रुकते थे। इसके पीछे लॉजिक दिया जाता था कि उज्जैन के राजा महाकाल हैं और उनके साथ कोई दूसरा राजा नहीं रुक सकता है। लेकिन मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस मिथक को तोड़ दिया है। वो रात में यहाँ रुके। सीएम ने कहा कि सिंधिया महाराज ने एक राजनीतिक रणनीति के तहत ये मिथक गढ़ा था। जाने अनजाने पता नहीं हमारे अपने उज्जैन में कोई घटना हुई तो एक राजनीतिक घटना जरूर महाराज सिंधिया जी ने करी थी। बाबा है ना यहाँ मौजूद, क्या थी बाबा पॉलिटिकल घटना? कि कोई कारण से राजधानी ले जाना थी यहाँ से ग्वालियर, तो ग्वालियर राजधानी ले जाने में इच्छा तो उतनी थी, लेकिन महाराज जी चले गए शांत होकर। दौलत राव जी सिंधिया साहब के समय 1812 में राजधानी गई, तो उनने क्या समीकरण बनाया? एक तो राजधानी ले गए, दूसरा धीरे से एक मंत्र फूक गया कि भैया यहाँ राजा रात नहीं रहेगा, तो परवार ही नहीं पड़ गया, कोई आएगा ही नहीं दूसरा कब्जा करने के लिए। ये थी उनकी राजनीतिक रणनीति। अब राजनीतिक रणनीति के हिसाब से हमारे भी जाने अनजाने अपन भी कहते राजा रात नहीं रहेगा, राजा रात नहीं रहेगा। अरे राजा तो बाबा महाकाल है, हम तो सब बेटे हैं उनके, क्यों रात नहीं रहेंगे? सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, भगवान महाकाल केवल नगर निगम सीमा के राजा थोड़े ही हैं, वो तो पूरे ब्रह्मांड के राजा हैं। भगवान महाकाल की इच्छा थी कि मुझे उन्होंने सीएम बनाया और कहा कि तुम यहाँ मिथक तोड़ो। ब्रह्मांड में कहाँ कोई बच सकता है? बाबा महाकाल ने अगर टेढ़ी निगाह कर ली तो बाबा तो जन्म देने वाले हैं, आशीर्वाद देने वाले हैं, इसलिए बाबा ने कहा बटोरो मत, तुम्हारे उज्जैन में दे देता तो झंझट ही खत्म। डर है यार, उन्होंने कहा बाबा को ये लोगों का डर मिटाना है, अपन खुश है कि अपन लाए। उन्होंने कहा लाए नहीं दादा, मैं तो तुमको दे दिया हूँ। दरअसल शनिवार को सीएम मोहन यादव विकसित भारत संकल्प यात्रा के उद्घाटन समारोह के लिए उज्जैन पहुंचे थे। यहां 7 किलोमीटर लंबा रोड शो भी आयोजित हुआ। सीएम डॉक्टर यादव उज्जैन के ही रहने वाले हैं और उनका घर शहर की गीता कॉलोनी में है। उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही ये चर्चा थी कि वो सीएम के रूप में उज्जैन में रात्रि विश्राम करेंगे या नहीं, क्योंकि पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान अपने 18 साल के कार्यकाल के दौरान कभी भी उज्जैन में रात में नहीं रुके थे। सिंहस्थ महाकुंभ के दौरान भी शिवराज रात 12 बजे से पहले उज्जैन की सीमा छोड़ देते थे। वो एक हफ्ते तक यहाँ रुके, लेकिन सिर्फ दिन में उज्जैन में रुकते थे और रात होते ही इंदौर चले जाते थे। इसके अलावा सिंहस्थ महाकुंभ के दौरान ही भाजपा ने वैचारिक महाकुंभ का भी आयोजन किया था, जो कि उज्जैन की सीमा से बाहर यानी 12 किलोमीटर दूर निनौरा गांव में हुआ था। फिर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिग्विजय सिंह और राहुल का उज्जैन से बाहर रात गुजारना भी चर्चा का विषय बना था। हालांकि दिग्विजय सिंह ने इसे एक संयोग मात्र बताया था। उज्जैन ग्वालियर रियासत का हिस्सा रहा है, ग्वालियर रियासत अब भले ही ना हो लेकिन उसके परिवार के मुखिया उज्जैन में रात्रि विश्राम नहीं करते हैं। माधवराज सिंधिया हो या अब ज्योतिरादित्य सिंधिया, कोई भी रात में उज्जैन में नहीं रुकता है। लेकिन नए सीएम ने उज्जैन में रात्रि विश्राम करके अब इस मिथक को तोड़ दिया है। आपकी इस विषय पर क्या राय है हमें कमेंट करके बताइए। मेरा नाम है विकास वर्मा, देखते रहिए दिल्ली लल्लू टॉप। शुक्रिया।